फिर से एक बार वही बात करते हैं, क्या पढ़ रहे थे अपन? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब था? स्टडी ऑफ चार्ज। मैंने बोला था चार्ज के डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट चैप्टर बनाया गया है। जैसे अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट। उसके बाद मैंने बोला था अगर चार्ज स्पीड में हो, मतलब मोशन कर रहा हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो आप कह सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन? करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। फिर आखिरी में बताए थे कि अगर चार्ज एक्सेलरेशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एक चैप्टर बोले थे कि बहुत छोटा है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले बेटा? चार्ज जब रेस्ट में रहता था तो अपन पूरी कहानी कर चुके हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक देख चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले जब चार्ज मोशन करेगा, जब चार्ज दौड़ने लगेगा तो क्या होगा, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है करेंट। आगे बात समझ में? कुछ कुछ इंपॉर्टेंस बताते हैं करेंट का। करेंट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। करेंट अच्छा क्यों है? क्योंकि करंट में पहले का कोई खास ज्ञान जरूरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर की आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल, पूरे मैकेनिक्स की आवश्यकता थी तब अपन पढ़ पा रहे थे, याद है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, करंट में वेक्टर का इस्तेमाल है ही नहीं, काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है। तो जो बच्चा मैकेनिक्स बहुत अच्छा से नहीं भी जानता वो करंट आराम से पढ़ सकता है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज क्या है, ये सब तो बेसिक अपन जानते ही हैं। तो ये आराम से कोई भी चैप्टर पढ़ सकता है। पहला इंपॉर्टेंस यही है कि इसको पहले के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये चैप्टर है बहुत सिंपल, फॉर्मूला सीखना है और उसको कैसे अप्लाई करना है इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक। क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ इस पे नहीं बनता, सवाल आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स क्या है कि तू कितना भी सवाल उसका सॉल्व कर ले, यू कैन नॉट गारंटी कि तू एग्जाम में सॉल्व करके आ ही जाएगा। पर करंट का अगर अच्छे खासा सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसका क्वेश्चन बन जाता है आईआईटी लेवल का, मेडिकल लेवल का आराम से बन जाता है। आगे बात समझ में? तो सिंपल है, स्कोरिंग है, इस हिसाब से ये चैप्टर अपने लिए आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में तो है ही। आगे बात समझ में? तो इसको भी अच्छे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंट्रोडक्शन समझ में आया। चलिए देखिए, करंट में सबसे पहले यही बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? इलेक्ट्रिक करंट। दिखाई दे रहा है पवन इधर? ठीक, चलो ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? सपोज कर भाई यहां पे कोई भी एक कंडक्टर है, ऐसा कोई भी ऐसा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और यहां से चार्ज पास कर रहा है, चार्ज ऐसे क्रॉस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को, तो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज पास कर जाएगा उसी को करंट कहते हैं। एक सेकंड में कितना चार्ज पास कर जाएगा उसी को करंट कहते हैं। एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे अपन। बॉटल है ना, दो बॉटल दो। जैसे यही एक सॉलिड कंडक्टर है, हाँ, तो यहां से चार्ज ऐसे घुस रहा है, ऐसे इधर फ्लो करके बहता जा रहा है, अंदर चलता चला जा रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज एक सेकेंड में एंटर कर गया उसी को करेंट कहते हैं। चार्ज फ्लोन इन वन सेकेंड, चार्ज फ्लोन इन, इसी को और कैसे बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, कोई तकलीफ, इसको क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है ना। करंट आप जो बचपन में सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा बहता हुआ होगा, ऐसे इमेजिन मत करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। प्रति सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर जाएगा उसी को करंट कहते हैं। जैसे एक सेकेंड में अगर इस क्रॉस सेक्शन से 10 कूलम चार्ज पास कर गया तो आप क्या बोलेंगे? 10 एम्पियर करंट बह रहा है। कितना बह रहा है? 10 एम्पियर। कोई तकलीफ? तो है क्या बेसिकली यार, ये करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है बाबू? फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर यूं कहा जाए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई तकलीफ? इसका मतलब मैं कह सकता हूं बेटा मैथमेटिकली, आई बराबर चार्ज फ्लोन, कुछ भी लिखना नहीं जब तक मैं बोलू ना, आदित्य लिखेगा नहीं, चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो किया किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो करंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ किताबों में लिखा रहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट नहीं कहते हैं,
चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना। हाँ, कंडक्टर में नहीं होगा। कंडक्टर में कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। प्रोटॉन फ्लो कर सकता है क्या? प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो मूव करता है। तो कंडक्टर में जो करंट बहता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो, आयंस की बात करें तो, CuSO4, Cu+, SO4 2-, याद है पढ़े हुए सब, तो वहां पे आयंस भी फ्लो करते हैं, तो वहां पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज भी। तो करंट को अपन ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। कोई तकलीफ आ रही बात समझ में? कंडक्टर सॉलिड के केस में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड और गैस के केस में कौन फ्लो करता है? आयंस। कौन फ्लो करता है? आयंस। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। चल एक बात बता बेटा, ये जो करंट है ये कैसा ये इसका यूनिट क्या होगा? बोल पहले यूनिट बता दे। एम्पियर, ये तो अभी हम बोल दिए ना ऐसे नॉर्मल तरीके से। देखो क्या है, चार्ज बाई टाइम ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है बोल? कूलम। और टाइम का यूनिट तो हम लोग क्या बोलेंगे? कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को स्पेशल नाम क्या दे दिया गया बेटा? एम्पियर। क्या नाम दे दिया गया? एम्पियर। साइंटिस्ट है, उनके सम्मान में हम लोग अपन यूनिट दे देते हैं। कोई तकलीफ? ये एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है बेटा? एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम पर सेकंड, उसी का स्पेशल नाम है एम्पियर। कोई तकलीफ यहां तक? एक और बात यहां पे कर लेते हैं, बता करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है? याद है, मैं फटाक से रिविजन कराता हूं जो नहीं सुने हो गए, जैसे सूरज मुंह बना दिया। ध्यान से देखो, क्वांटिटी तीन तरह का हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? आयुष पता है तेरे को? तेरे को पता होना चाहिए, जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो तीन चीज होना चाहिए वेक्टर में, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ को फॉलो करे। कोई तकलीफ? अब तीसरा क्या बचा? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे। तो करंट में क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रा को। किसको फॉलो करता है? दैट्स व्हाई करंट इज द एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। किसका एग्जांपल है? पर टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। आपके लिए क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। तो देख, अगर मान ले ऑप्शन दिया रहे करंट इज द एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, तीनों दिया है तो आप टेंसर लगाएंगे, बट टेंसर दिया ही नहीं हो, स्केलर और वेक्टर में पूछे तो आपके लिए क्या हो गया? स्केलर। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ? बेसिकली ये है कि कैसा बेटा, टेंसर क्वांटिटी है। चूंकि टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है तो कई बार ऑप्शन में ये दिया ही नहीं रहता, तो आपके लिए फिर क्या बन गया? ये स्केलर। कोई दिक्कत? डायरेक्शन का यूज है ना, डायरेक्शन होता है करंट में, करंट इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है, डायरेक्शन होता है करंट में, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये क्या हो जाता है? टेंसर। कोई तकलीफ? मैं फिर से बोलूं, क्वांटिटी तीन तरह का, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा वेक्टर लॉ को, और टेंसर में क्या होता है? इस मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो करंट किसका एग्जांपल होता है बेटा? टेंसर क्वांटिटी का। अगर टेंसर ऑप्शन में दिया हो तो आप टेंसर लगाएंगे, टेंसर नहीं दिया हो तो स्केलर वेक्टर में पूछे तो आप स्केलर बताएंगे। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो लिखोगे क्या? कुछ कुछ लिखो फटाक से। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फुल स्टॉप। बस यही है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बना ले बाकी सब कुछ जैसा लिखा हुआ है। सूरज दिक्कत होगा तुरंत पूछेगा, ये नहीं सोचेगा कि वीडियो ख़राब हो जाएगा। वीडियो ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम ख़राब नहीं होने चाहिए। क्या दित्या?
पेन थोड़ा फास्ट चलाएं यार। चलो एहसास करने के लिए, एहसास करने वाला डेफिनेशन क्या था कि अगर इस कंडक्ट में ऐसे चार्ज घुस रहा है तो एक सेकंड में देख लो कितना घुस गया, उसी को क्या बोलेंगे करंट। प्रति सेकंड कितना चार्ज एंटर कर जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, उसको क्या बोलेंगे बेटा करंट। ये रेट ऑफ फ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज का फ्लो का रेट क्यों इंपॉर्टेंट है सर? रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे मान ले कि तेरे पास ना 1 kg कोई भी मान ले भुजिया होता है ना, आलू भुजिया जो बड़ा वाला, 1 kg ला करके दे दिए, ठीक। अब 1 kg भुजिया ला करके दे दिए, दो लड़का है मेरे पास, एक लड़का क्या किया कि 5 मिनट में खा गया, एक लड़का है जो आराम आराम से खा रहा है, जो 1 kg एक बार में खा गया बर्बाद हो सकता है, वो उसका जल सकता है बिल्कुल। तो रेट इम्पॉर्टेंट है, किस रेट से खाना है, आ रही बात समझ में। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान ले कि कोई लड़का प्रपोज किया किसी को, मना कर दी वो, चलो मना नहीं कि 2-3 साल चला उन लोगों का रिलेशन, फिर बोले कि पापा नहीं मान रहे हैं, होता है ना, पापा नहीं मान रहे हैं, तो लड़का हो गया बीमार कि तो धोखा दे दी मेरे को, लड़का चला गया हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर बोला कि मर जाएगा ये, इसको ना पानी चढ़ा दीजिए, जो बॉटल आता है ना इसको पानी चढ़ा दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइन बोलते हैं, यस चढ़ा दीजिए इसको, 5 बॉटल चढ़ाई तभी बचेगा ये, ना तो प्यार में पागल है मर जाएगा ये। अब वहाँ पे नर्स थी, नहीं वो क्या की ना ऐसे 5 बॉटल लटकाई, 5ों में इंजेक्शन घुसेड़ी और एक साथ नस में घुसेड़ दी, 5 बोतल का पानी फटाक से चढ़ेगा तो आदमी बचेगा क्या? नहीं। अरे बहुत स्लो चढ़ाना होता है, तू देखा होगा ड्रॉप गिरता है, हाँ वो चेंज स्पीड चेंज करने वाला, तो ड्रॉप गिरता है तो हमारे नर्व्स में हमारे नस में जाता है तो हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर वो बहुत फास्ट रेट से चला जाएगा तो बच नहीं पाएंगे, तो नर्स जो 5 बोतल एक साथ चढ़ा रही है तो आदमी तो ऐसे भी मर जाएगा। तो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस रेट से, हाँ 5 बोतल ही चढ़ा बे, स्लो चढ़ा, अरे बात समझ में। तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का। मान ली कि तेरे को हम 100 सवाल दिए सॉल्व करने के लिए, एक लड़का एक दिन में 100 सवाल सॉल्व करके आ गया, एक लड़का 5 साल में सॉल्व करके आया, तो हम बोलेंगे कि इक्वली इंटेलिजेंट है क्या दोनों? नहीं, जो 5 साल में सॉल्व करे वो मतलब पीटा जाना चाहिए, वो बर्बाद है वो लड़का, है कि नहीं? तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज किस रेट से बह रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज किस रेट से अंदर घुस रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को क्या कह दिया गया बेटा करंट, क्या कह दिया गया? तो अगर कहीं पे ये लैंग्वेज लिखा है ना कि कंडक्टर में करंट बह रहा है तो ये लैंग्वेज गलत है, करंट नहीं बहता, क्या बहता है? चार्ज बहता है, क्या बहता है? इस बहने चार्ज का जो रेट है फ्लो होने का उसका नाम करंट है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि इस कंडक्टर में करंट बह रहा है, बोलेंगे कि इस कंडक्टर में करंट प्रेजेंट है, फ्लो क्या कर रहा है? चार्ज। कोई तकलीफ यहां तक? अब सुन भाई, चार्ज का 2 टाइप बताया जा सकता है जनरली, कौन कौन सा टाइप है? एक है एवरेज करंट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस करंट। जो काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे हम सुन को पता होगा, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। वेलोसिटी याद है पढ़े थे, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दो तरह का वेलोसिटी सिखाया गया होगा, एक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे क्या है, जैसे तू बाइक चला रहा है, मान ले यहां से तू बोकारो चला गया 3 घंटे में, कितने घंटे में? 3 घंटे में। और मान ले कि यहाँ से बोकारो का दूरी है, मानने के लिए केवल, मान ले 90 किलोमीटर है, कितना है? तो कितना ये स्पीड तुम्हारा हुआ लगभग 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 घंटा, तो कितना हुआ? 3 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। पर क्या ये पक्की बात है कि तू हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था? बीच में चेंज हो रहा था, बीच में चाय पी रहा था, बीच में रुक रहा था, बीच में फास्ट हो जा रहा था, है कि नहीं? तो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है ये अलग बात है, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बाय ओवरऑल टाइम ये अलग बात है। आ रही है बात समझ में? एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ रहा है? वैसे करंट को भी डिफाइन करा गया, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो बता भाई, अगर मैं बोलता हूं एवरेज करंट, एवरेज करंट, तो बोल एवरेज करंट को क्या ऐसे दिखाएंगे बेटा? याद है खूब चावल ले लेते थे, एवरेज का ये नोटेशन होता है। तो एवरेज करंट कैसे लिखोगे? टोटल चार्ज, या टोटल चार्ज ना बोल के ऐसे बोलते हैं, नेट चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम, यही ना? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? एवरेज करंट को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या फिर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं अगर तुम्हें याद होगा तो। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते थे? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, याद है किसी को? याद है? नहीं भी याद होगा तो मैं आगे प्रूफ कर दूंगा, अभी यहां पे लिख लेना है, ठीक है? जैसे एवरेज करंट लिखना है बेटा, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता, आई डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये एवरेज करंट का फॉर्मूला हो गया। इस तीन तरीके से लिखा जा सकता है। ये कैसे लिखते हैं मैं आगे क्लैरिफाई करूंगा इंस्टेंटेनियस के बाद। कोई तकलीफ है? एवरेज का मतलब समझ में आया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्टेन इंटरवल, एक इंटरवल में कि एक घंटे में लगभग लगभग कितना चार्ज फ्लो कर गया, आ रही है बात समझ में? और इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि बताओ दो सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जो हम लोग बाइक चलाते हैं स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है, कौन सा स्पीड दिखाता है? इंस्टेंटेनियस। वो चेंज होता रहता है, एस्केलेटर लेगा तो बढ़ने लगेगा, तो वो इंस्टेंटेनियस दिखाता है, एवरेज नहीं दिखाता। कोई तकलीफ? रुक जाना, लिखवाएंगे। दूसरा होता है बेटा इंस्टेंटेनियस करंट, इधर उतार लिया है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या है देख? बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको दिखाते हैं आई इंस्टेंटेनियस ऐसे, और इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई, ये क्या सर? देखो ये भी तो चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन है ना, लेकिन क्या दिखा रहे? बहुत छोटे से इंटरवल में, एकदम छोटे से टाइम में, मतलब कह रहे हैं कि लगभग लगभग टी वक्त में कितना बहा होगा। तो इसको कैसे दिखा देते हैं? डी क्यू बाई डी टी, किसी भी वक्त पे मान लेते हैं एट टी बराबर टी नॉट पूछा गया है, किसी भी वक्त पे पूछा, दो सेकेंड चार सेकेंड, तो हम कोई भी जनरल टी नॉट मान लिए, कोई दिक्कत? तो ये दो तरह का करंट होता है। अब सुना ये वाला कैसे डिराइव किया गया, ध्यान से सुना बेटा। मैं आई इंस्टेंटेनियस से अगर आई लिखता हूं तो ये डी क्यू बाई डी टी अभी डिराइव किए ना, बता दो बेटा यहां पे डी क्यू क्या हो जाएगा? आई डी टी, आई डी टी हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे तो क्या टोटल चार्ज फ्लोन पता चल गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी पता चल गया क्या? बता एवरेज करंट क्या होता था? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज को क्या हम ऐसे लिख सकते थे? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब छोटा छोटा डी टी डी टी डी टी डी टी को जोड़ दो, तो डी टी डी टी डी टी डी टी को जोड़ने का मतलब डी टी को इंटीग्रेट कर दो। तो यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। अरे ये बात समझ में? जो काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे इसके लिए नई बात नहीं होगी, ये सब बहुत चर्चा करा गया है, याद है? लिख लो टाइप्स ऑफ करेंट, टाइप्स ऑफ करेंट, टाइप्स ऑफ करेंट, टाइप्स ऑफ करेंट। फर्स्ट में लिख लो एवरेज करेंट, इसका डेफिनेशन भी लिख लेना, एवरेज करेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एवरेज करेंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, 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 एक इंटरवल के लिए बात होता है, इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मेरी तरफ ध्यान से, जैसे मान लो हम बोलेंगे बेटा कि बताओ दो सेकेंड से दस सेकेंड के बीच में लगभग लगभग कितना करेंट बहा,
तो एक इंटरवल में डिफाइन करेंगे ना कि सर 2 सेकंड से 10 सेकंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, मतलब टोटल समय, इसको एवरेज। तो एक इंटरवल में डिफाइन होता है, पर इंस्टेंटेनियस करेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। हम इंस्टेंटेनियस कैसे पूछेंगे, बता 3 सेकंड पे करंट कितना बह रहा है, एक इंस्टेंट पे हो गया, इसमें इंटरवल का कोई बात नहीं होता। आ रही बात समझ में, एहसास कर पा रहे हो दोनों का अंतर? ठीक, तो लिख लो वो पूरा फॉर्मूला एवरेज करंट के नीचे। सब दिखाई दे रहा है ना अंकु, दिक्कत है क्या? तो हाँ हाँ ऐसे ऐसे बोलते रहा करो बीच में। क्या बीमार पड़ गया जो? हाँ चलो लिख लिए एवरेज करंट, नेक्स्ट में लिख लिए बेटा सेकंड में इंस्टेंटेनियस करंट, उसका भी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहे कि बोर्ड में पूछ सकता है। इंस्टेंटेनियस करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, rate of flow of charge at a particular instant of time, that is, लिख ले ये सारा फॉर्मूला, ये वाला है instantaneous current। हो गया, मेरी तरफ ध्यान से देखो, अगर ये लिख लिए हो तो मतलब एक पर्टिकुलर एक 2 सेकंड पे बताओ, 4 सेकंड पे बताओ, तो ये 3/0 सेकंड पे बताओ, जनरल टर्म में लिखे हैं वो। अच्छा इधर देख बेटा, मैं बोलता हूँ ना कि 10 एम्पियर करंट बह रहा है कंडक्टर में, कितना बह रहा है आप एहसास क्या करेंगे कि 1 सेकंड में कितना कूलम्ब घुस रहा होगा? 10 कूलम्ब। मैंने बोला ना कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे डिफाइन किया कि 1 सेकंड में कितना चार्ज चला गया, 1 सेकंड में कितना चार्ज चला, तो मैं 10 एम्पियर कह रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड में कितना कूलम्ब घुस रहा होगा? 10। यही ना मैं तेरे से पूछता बेटा, बता 4 सेकंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, तो 1 सेकंड में 10 कूलम्ब फ्लो कर रहा था, तो 4 सेकंड में 40। तूने क्या करा, करंट और टाइम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना भी चाहिए। तो देख यहाँ पे करंट क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बेटा, करंट इनटू टाइम। अरे बात समझ में, करंट का मतलब 1 सेकंड में कितना गया, तो जितने सेकंड में आपसे पूछेगा आप क्या करेंगे, करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, टाइम से, तो आपको क्या पता चलेगा कितना चार्ज एंटर किया है, कितना चार्ज। देख एहसास बहुत जरूरी है, फॉर्मूला से ज़्यादा एहसास इंपॉर्टेंट होता है, इन्हीं एहसासों के दम पे अच्छे सवाल करेंगे अपन, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, देख कभी कभी ना डायमेंशन का सवाल पूछ देता है बोर्ड वगैरह में, डायमेंशन क्या है करंट का, मेरे को बताना बेटा करंट को कैसे डिफाइन करें, चार्ज बाई टाइम, ऐसे ना, मेरे को बता करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है कि चार्ज, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन का नाम सुने हो, फंडामेंटल क्वांटिटी में LTM ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है ना, किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, तो करंट के हिसाब से चार्ज का डायमेंशन लिखते हैं। तो बोल बेटा क्यू बराबर क्या लिख देंगे, आई इंटू टी, और इसका डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें क्यू का डायमेंशन तो कैसे लिखेंगे, आई का दिखाते बेटा ए से दिखा सकते हैं या आई से दिखा सकते हैं, और टी का टी से, तो क्या हो जाएगा ए इंटू टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I into
अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, कर सकते हैं कि सर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों नहीं रखा गया? नहीं रखा गया तो नहीं रखा गया, वो लोग रख दिया है, उसके हिसाब से अपने को पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? करंट। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो जब भी चार्ज का अपन डायमेंशन लिखेंगे बाबू, तो करंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। कोई तकलीफ? अब एक बात सुनना, एक और मन में सवाल आना चाहिए कि सर देखो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है, पहले चार्ज आया होगा ना सर, चार्ज के फ्लो को करंट डिफाइन करा गया ना, तो चार्ज के हिसाब से काम होना चाहिए था, करंट के हिसाब से क्यों हो गया? सवाल आ सकता है ना कि पहले चार्ज आया तब ना बहा तब उसको हम करंट डिफाइन करें, ये सवाल आ सकता है। देख बात क्या थी ना, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली करंट देखा गया था, चार्ज के बारे में तो बहुत बाद में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये लोग फ्लो करता है, तो पहले क्या चेक किया गया था? करंट। क्या चेक करा गया था? करंट। तो वहाँ से लोग बोला कि हमको पहले करंट दिखाई दिया तो हम इसे को फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे। एक और कारण क्या है इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मानने का, ध्यान से सुनना, करंट को मेजर करना बहुत आसान होता है, चार्ज को मेजर करना आसान नहीं होता, चार्ज को मेजर करना आसान नहीं होता, तो करंट को मेजर करना आसान था एक्सपेरिमेंटली, तो उसी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया। कोई तकलीफ? तो आप लिख ले बाबू डायमेंशन फॉर करंट, ये सब बोर्ड में पूछता है। सर बिना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के करंट को कैसे बोल सकते हैं? हाँ, तो चार्ज ही फ्लो करा गया होगा, पहले हमें झटका महसूस हुआ था, जैसे बिजली दिख रहा है ऊपर चमकता है तो हमको पहले वो दिखाई देता है, बाद में उसको लोग एक्सप्लेन करा कि चार्ज का समूह है वो, समझ में आया? तो पहले हम एहसास करते चीज़ों को, देखते ऑब्जर्व करते हैं, बाद में उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। करंट पहले दिखाई दे दिया कि कुछ बह रहा है जिससे हमको झटका लग रहा है, तो उसको लोग करंट कह देना शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि ये जो क्या बह रहा है जिसकी वजह से हमको झटका लग रहा है, तो पता चला कि ओ इसमें चार्ज पार्टिकल बह रहे हैं। आ रही बात समझ में? तब इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटोन आया, ये सब। कोई तकलीफ आ रही है बात यहाँ तक समझ? चलो अब सवालों पे आते हैं। हाँ ये सब बेसिक बात हो गई, अपन क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में कोई भी थ्योरी? ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा मेन मोटो वही होता है ना, अपन कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मैथ्स भी क्यों पढ़ते हैं अपन? ताकि फिजिक्स पढ़ पाएँ और इसका फिर सवाल बना पाएँ। अब सवालों पर आ जाएँ, फटाक से भाई रिवीजन कर लेते हैं बेटा। आ जा, कोई भी कंडक्टर में चार्ज ऐसे घुस रहा है, फ्लो कर रहा है, प्रति सेकंड कितना चार्ज घुस रहा है उसी को क्या बोला गया? करंट। उसी को क्या बोला गया? करंट बोला गया। करंट दो तरह का हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब कोई टाइम इंटरवल पे, 2 से 5, 4 से 8, इस तरह इंटरवल में लगभग लगभग कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे डिफाइन किया बेटा? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, सिंपल। इंस्टेंटेनियस करंट dQ/dt एट एनी टाइम। आगे बात समझ में? आगे देखिए कि ये कौन सा, किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर के टेंसर? टेंसर। कैसा क्वांटिटी है? टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन में ना हो तो क्या है आपके लिए? स्केलर। आगे बात समझ में? अगली बात क्या देखिए, इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब पर सेकेंड। उसी को नाम क्या दिया गया? एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। आगे बात समझ में? डायमेंशन अपन देखिए बेटा, कुछ करंट के हिसाब से देखा जाता है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों ऐसा करा गया होगा एग्जैक्ट तो हम लोग को भी नहीं पता, क्यों करा गया होगा ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि करंट को मेजर करना आसान था, चार्ज को मेजर करना आसान नहीं था। कोई तकलीफ यहाँ तक? याद रहेगा ऐसा बेसिक बात, ठीक है ना? चलो अब आते हैं सवालों पे। सर सवाल कैसा पूछा जाता है उस पे काम करते हैं। देख अटेंटिव रहेंगे, फालतू नहीं सोचेंगे कुछ भी, इधर ही दिमाग रहेगा। देखो सबसे पहला सवाल किस तरह का पूछा जाता है, डिफरेंट वैरायटी का सवाल मैं बता सकता हूँ, वो वैरायटी आपको याद रखना है। पहला सवाल ऐसा पूछा जाता है बेटा, जैसे मान ले दिया हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में ऐसे करंट बह रहा है 2t² + 4t + 1। चार्ज कैसे दिया हुआ? टाइम के फंक्शन में। कैसा दिया हुआ है? टाइम के फंक्शन में। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बताइए इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, बताइए एवरेज करंट क्या है। तो एक बढ़िया सा सवाल बना के अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी कंडक्टर में चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ये टाइम का फंक्शन, मतलब प्रति सेकंड चार्ज पता चल रहा है कितना घुस रहा है, बात समझ में आ रहा है? जैसे टाइम बराबर 0 पुट कर दे तो क्यू बराबर कितना होगा? 1। मतलब टाइम 0 पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 कूलम्ब गया है। फिर 2 सेकंड पे 2 पुट करोगे तो चार्ज का पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो इसमें एक सवाल बना ले रहे बेटा देख, फाइंड ए में एवरेज करेंट बिटवीन टी बराबर जीरो टू टी बराबर 2 सेकेंड, मान लिया ऐसा पूछा गया, दो जीरो सेकेंड से 2 सेकेंड तक एवरेज करेंट बताओ, ये सवाल है। दूसरा मान लिया बेटा ऐसा दिया हुआ है, एवरेज करेंट बताओ बिटवीन टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 4 सेकेंड, किसी भी इंटरवल में पूछा जा सकता है ना। तीसरा सवाल मान लिया बेटा दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस करेंट बताओ एट टाइम टी बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे बताओ कितना करेंट बह रहा है। तो एट टी बराबर 2 सेकेंड, एक इंस्टेंट पे बात कर दिए, तो ये कौन सा करंट आ गया, इंस्टेंटेनियस, कौन सा करंट हो गया बेटा। तो ये दो तरह का, तीन तरह का सवाल अपन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है। ए वाला पहले सॉल्व करते हैं, एवरेज करंट पूछा है ना, एवरेज करंट का क्या मतलब होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। ध्यान से सुनना बेटा, आई एवरेज बराबर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस, ऐसा ही होगा ना बाबू। क्यू फाइनल मतलब कौन से समय पे पूछा जा रहा है, जीरो से लेके दो, तो फाइनल कौन सा समय है, 2 सेकेंड, तो ऐसे लिखेंगे चार्ज एट 2 सेकेंड माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, यही ना टोटल टाइम हुआ। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है? अब सुन बेटा कैसे लिखेंगे बोल, चार्ज एट 2 सेकेंड मतलब चार्ज के टाइम में क्या पुट कर देना है, दो, तो यहाँ पुट कर दो, मैं पूरा लिख रहा हूँ, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 1, कोई दिक्कत? ये किसका वैल्यू पुट किए, चार्ज एट 2 सेकेंड, चार्ज एट, कोई दिक्कत है विकास? चल अब क्या है बाबू बोल, माइनस, इसको लिख दे माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड, तो 0 पे पुट करेगा तो ये खत्म, क्या बच गया केवल 1, क्या दिखाई दे रहा है सबको, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम मतलब 0 से 2 मतलब 2 - 0 मतलब 2। क्या इसको सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है, फटाक से बताए कितना आ रहा है, 16/2 8 एम्पियर, 16/2 कितना आंसर आ गया, 8 एम्पियर आ गया, एवरेज करंट इतना फ्लो कर रहा है। ठीक, वैसे ही क्या बी भी निकाल सकते थे 2 से 4, क्या करते बस, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पहले ऐसे लिखते हैं बी में, बता तुम लोग कैसे लिखते बेटा, हाँ क्यू एट टाइम टी बराबर 4 सेकेंड माइनस क्यू एट टाइम टी बराबर 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम 4 - 2, क्या ऐसे पुट करके सॉल्व किया जा सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब सी करते हैं, सी क्या करता है, क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट ना, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है ना, आता है ना बोल, डिफ्रेंशिएट कर इसको, 4t + 4, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, 2 निकल गया, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो किसी भी वक्त पे करंट ऐसा दिखाई दे रहा है, अब जिस वक्त पे पूछ दे, हम कौन से वक्त पे पूछे हैं, 2 सेकंड, तो कैसे लिखेंगे, करंट एट टी बराबर 2 सेकंड पुट कर दे, टी के जगह पे क्या पुट कर दे बेटा, तो कितना आंसर आ गया, 12 एम्पियर, किसका एम्पियर, जो भी आएगा, सॉल्व नहीं कर रहा, ये समझ में आया, 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड कुछ भी पूछते तो निकाल सकता था ना, कोई दिक्कत, ऐसा सवाल हो जाएगा बेटा। तो पहले तरह का सवाल कैसा होता है कि चार्ज दिया रहेगा टाइम के फंक्शन में, तो आपसे एवरेज करंट पूछ सकता है, आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ सकता है, क्या अपन कर लेंगे ऐसा सवाल, कोई तकलीफ, आज के बाद दिखेगा बना लोगे ऐसा सवाल। अब फंक्शन कुछ भी बनाया जा सकता था, मैं कोई रट के आया हूँ क्या, ये फंक्शन कुछ भी ले सकते थे, t² - 2 t + 1 t - कुछ भी ले सकते थे फंक्शन, मेथड तो यही रहेगा, कोई तकलीफ, हो जाएगा सवाल, उतारिए फटाक से। सूरज समझ में आ रहा है? Yes, बाबू ये क्लास एक भी मिस नहीं करोगे,
ऑन वीडियो बन रहा है ना? इधर दिखाई दे रहा है? देख तो ठीक उतार लिए उधर। श्रेया कोई दिक्कत हो रहा है? समझ आ रहा है ना? ले 7:30 बज गया। शुरू भी नहीं होते ख़त्म हो जाता है ऐसे, कोई स्टार्ट करके छोड़ दिया। हो गया? चलो देखो। यस, कुछ बोल रहा है क्या? पहले तरह का सवाल कैसा दिया रहेगा? चार्ज टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा, आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरह का सवाल कैसा पूछा जा सकता है? करंट दिया रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम में, और आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा, बताइए कितना चार्ज फ्लो करा, एवरेज करंट बताइए, इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, है कि नहीं? पूछा जा सकता है, किया जाए वो सवाल। ध्यान से देख बेटा, करंट को टाइम के फंक्शन में दिया गया है, अपने को सबसे पहले बताना है कितना चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो करा। बता करंट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है उसको क्या लिख सकते हैं? I बराबर dQ बाई dt। ध्यान से देखना, ए सॉल्व कर रहे बेटा। मैं लिख सकता हूँ I बराबर dQ बाई, बोल बेटा dQ को क्या लिख सकता था मैं? I dt लिख सकता था। dQ मतलब इस dt वक्त में कितना चार्ज फ्लो कर गया, I into dt। अभी बताए थे ना कि करंट दिया हुआ है, आपसे पूछा है बताइए 10 सेकंड में कितना, तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम dt वक्त में कितना चार्ज फ्लो करा है, चार्ज को करंट से, ये करंट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो चार्ज पता चल गया, दिखाई दे रहा है ना? dQ बराबर I dt। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है बेटा तो क्या कर दोगे? तो क्या यहाँ टोटल चार्ज पता चल गया? क्या आंसर आ गया? I dt। क्या गया? अब जिस समय से समय में पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ पूछ रहा है? एक सेकेंड से दो सेकेंड तक। क्या ये सॉल्व करना नहीं आता है अपने को? बहुत आसान है, बताइए। इंटीग्रेशन आई क्या दिया हुआ है? 2t + 4। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, सॉल्व कर देना, अब सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल हो गया। बोल बेटा 2t को इंटीग्रेट कर दो, 2 कांस्टेंट 2 निकल गया, t का इंटीग्रेशन t² / 2 कट के क्या t² हो गया, प्लस 4 निकल गया, और dt का इंटीग्रेशन t, ऐसा हो जाएगा। ठीक, कहाँ से कहाँ तक बेटा? 1 से लेकर, कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना? पहले ऊपर वाला पुट करते हैं, माइनस नीचे वाला पुट कर, ऊपर वाला 2 को पुट करो, क्या लिखोगे? 2² + 4 × 2 जो भी होगा, माइनस क्या लिखे? 1² + 4 × 1। क्या ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा? बता दे कितना आंसर आ रहा है? 4 + 8 कितना हो गया? 12 - 5 = 7 एम्पियर। सॉरी 7 आया ना सर, 4 + 8 = 12 हो गया, -5 = 7 हो गया। हम अपन क्या निकाल रहे थे? चार्ज फ्लो ना बेटा, तो आंसर किस में आएगा? एम्पियर। गधों, चार्ज निकाल रहे हो, कूलम। किस में आंसर आएगा? कूलम, एम्पियर में। चार्ज किस में आता है? कूलम में आता है। कोई तकलीफ आ रही है बात समझ में? निकाल लेगा रे छोटे। अगर मैं इंटरवल 1 सेकंड से 2 सेकंड नहीं देता, 3 सेकंड से 10 सेकंड देता, तभी तो मेथड यही रहता, कोई दिक्कत। यहाँ पे 10 यहाँ 3, कुछ भी पूछा जा सकता था किसी भी इंटरवल में, है कि नहीं? सेकंड बता, बी नंबर बोल बेटा, क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस करंट एट टी बराबर 4 सेकंड। तो देखो ना, इंस्टेंटेनियस करंट ही तो दिया हुआ है, सीधा टी बराबर 4 पुट करवाए सर, है कि नहीं? क्या लिखिए? आई एट टी बराबर 4 सेकंड। आई फंक्शन ऑफ टाइम ही तो दिया हुआ है, तो सीधा 4 पुट करते हैं, आंसर हो गया, हो जाएगा बेटा कितना आ गया? 12 कूलम।
गधों करंट निकाल रहे बे क्यों कर रहा है ऐसा भाई, चार्ज निकालेंगे तो कूलम करंट निकालेंगे तो ओह 12 एम्पीयर, कोई दिक्कत? सी नंबर, ये तो बहुत आसान था। सी नंबर देख, एवरेज करंट पूछ रहा है। एवरेज करंट कैसे बताते हैं बाबू? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है क्या तेरे पास? कहाँ दिया हुआ है चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम? चार्ज नहीं दिया हुआ है तो आप वैसे निकाल पाओगे क्या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करके? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि करंट दिया हुआ है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है इस फॉर्मूला का क्या उपयोग है? चार्ज नहीं दियो, करंट दियो, तो करंट पुट कर देना, सॉल्व कर दें, हो जाएगा। बताइए क्या लिखूं बेटा? एंड आई कितना है? 2t + 4 डी टी, कहाँ से कहाँ बेटा? हाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, पर अगर हम कुछ और डेटा दे देते तो तुम लोग 2 से 3 मान लेते हैं। बिल्कुल तो सही बोल रहा है, बिल्कुल 2 से 3 निकाल, ऐसे कर रहे हैं, क्या करें बेटा बोल? 2 से 3 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 2 से, अरे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब सिंपल है टोटल टाइम, है कि नहीं? तो सीधा यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाता है 2 से 3 में? 3 - 2 मतलब 1 सेकेंड, तो सीधा 1 लिख सकते थे लेकिन पूरा लिख दिए। क्या इसको सॉल्व करना नहीं आता है? आराम से इंटीग्रेट करोगे, 3 पुट करोगे, -2 पुट करोगे, नीचे सॉल्व करोगे आंसर, कोई दिक्कत? हो जाएगा बाबू, समझ में आ रही है बात? फिर से मेरे को ध्यान से सुनो, अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो क्या चार्ज निकाला जा सकता है किसी भी टाइम इंटरवल में? इंस्टेंटेनियस करंट निकाला जा सकता है, टाइम का वैल्यू बस पुट कर दो। एवरेज करंट पूछ दे तो वो भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अभी तक यही चीज, 3 चीज पढ़े ना, चार्ज फ्लो, करंट, 2 तरह का, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो देख हर सवाल में अपन यही चीज़ निकाल रहे हैं, पिछले वाले सवाल में भी चार्ज निकाले थे, करंट निकाले थे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, यहाँ पे भी चार्ज निकाले, इंस्टेंटेनियस एवरेज, कुछ भी पूछ दे, फंक्शन कुछ भी दिया रहे, क्या दिक्कत है? है कि नहीं? मेथड तो वही है। आ रही है बात समझ में? उतारिए, अरे जैसे समझ में आ रहा है, आज मेरा राइटिंग अच्छा बैठ रहा है बोर्ड पे। अरे ये देख दे, ठीक है दे। ज़्यादा खुश हो गया था, ठीक है आ गया, सही है ना? देख ले, नींद आ रहा है क्या श्रेया तेरे को? क्या पूरा रात मोबाइल देखती है क्या? अच्छा
खैर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो फोन में? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कंप्यूटर पे ही पढ़ा जाएगा क्या? सही केस हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है बड़े बड़े एग्जाम में लीक हो जा रहा है। तो ये तो भाई तुम्हारा स्कूल बहुत बदनाम है, तुम लोग का स्कूल बहुत बदनाम है। जल्दी उतारे। कुछ कुछ बच्चा आता है मेरे पास ना, बोलता है कि सर सेंट जेवियर में ले रहा है, सर बहुत कोशिश करें किसी तरह एडमिशन हो जाए। हम बोले कि बात करा देंगे तुम्हारे सीनियर लोग से, देखना वही लेना, बात करा देंगे उसके बाद बताना कि लेना है कि नहीं एडमिशन। इतना खुश हो के आता है ना सब, ओहो DPS DAV जेवियर श्यामली, आने के बाद पता चल डाल है कहाँ फंस गया भाई, फिर घूमेगा सब हरिओम। हाँ नॉन स्कूलिंग करना चाहिए था। और कितनों समझा दो टेंथ वालों को, उन लोग का कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है ना कि जो है हम ही हैं, 90% मार्क्स लेके आए हैं। इलेवंथ का दो लेक्चर होता है, दो चैप्टर होता है, औकात पता चल जाता है कि सर किसी तरह पास करवा दो सर बस। देखो यहाँ पे ये एक वायर है बेटा, ऐसे सर्कुलर वायर ऐसे गोला बना हुआ है। हाँ इस वायर में से चार्ज क्यू फ्लो कर रहे हैं, यूँ कितने स्पीड से कर रहा है रे, भी से। और सर्कुलर वायर का रेडियस है आर। आपसे बोला जा रहा है बताइए यहाँ कितना करंट डेवलप होगा, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं सीखेंगे, बुद्धि लगाते हैं। करंट का बेसिक मतलब क्या था बेटा, कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज एक सेकंड में कितना पास करेगा, एक सेकंड में कितना पास करेगा। ध्यान से सुना बाबू, मान लेना कि हम यहाँ से ऐसे तार को काट दे रहे हैं, काट नहीं रहे सच में ना, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। सोच रहे हैं कि ऐसा एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और मेरे को देखना है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज घुस रहा है एक सेकंड में। यही ना बेटा, केवल एक ही क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ना बाबू, और तो कोई चार्ज फ्लो कर नहीं रहा। तो क्यू यहाँ से गया, यूं कितना देर में पहुंचेगा वापस वहां, अरे वी स्पीड है, कितना वक्त में वापस यहाँ आएगा बोल, टोटल कितना स्पीड से चल रहा है, भी से। कितना दूरी कवर कर रहा है बेटा, 2πr, कितना कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 2πr बाय वेलोसिटी कर दे, तो ये क्या पता चल गया, टाइम, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इतना वक्त में ये यहाँ से यहाँ पास करेगा ना, अच्छा इतने वक्त में केवल कितना चार्ज पास करा है, क्यू, कितना पास करा है, करंट क्या होता था, चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो करा, क्यू, कितने टाइम में फ्लो करा, ये वाला टी, जो भी टी क्या है, पूरा टाइम पीरियड, जितना एक पूरा एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है। तो अपन करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यू बाई टाइम पीरियड, क्यू बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है। बात समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से चार्ज मान ले कि यहाँ क्रॉस कर गया, एक बार क्रॉस किया तो फिर वापस इसको क्रॉस करने में कितना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा, तो इतने समय में केवल क्यू चार्ज, तो एक सेकेंड में कितना, इतना चार्ज बाई टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, दिस विल बी द करेंट। कोई तकलीफ बता यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा बेटा, आई बराबर क्यू बाई 2πr बाई, कोई दिक्कत, कर लोगे ऐसा सवाल। इस पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि चार्ज ऐसे देख चक्कर कर रहा है ना, गोला ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्कल में ही तो मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, तो वहाँ पे भी करंट निकालना पड़ता है, और उस करंट को कहते हैं एटॉमिक करंट। क्या कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर करंट बह रहा है, यही फॉर्मूला होता है क्यू बाई टाइम पीरियड। ये कैसे होता है, बात समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ, उतार लीजिए, आपके लिए सवाल ही समझेंगे। सूरज जो तू गलत गलत बोलता है बोला कर, ये मत सोचना है कि ये अगली बार से मजाक उड़ा देगा आदमी, मजाक हम उड़ाएंगे तो सत्य है वो, लेकिन बोलते रहना तभी तो क्लियर होगा ना डाउट।
ठीक है, सही है। चलिए कुछ और सवालों पे बात करते हैं। ये तीसरे तरह का सवाल हो गया बेटा कि जब चार्ज मोशन करेगा सर्कुलर में, है ना। अच्छा देखो, आगे देखो, थोड़ा सा ग्राफ वाला सवाल देखते हैं। लिखो ग्राफिकल एनालिसिस। कर लिए, आ जाओ ध्यान से देखो। अच्छा कौन कौन सा चीज़ पढ़े हो अभी तक बेटा? चार्ज और करंट, यही ना। तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे, चार्ज का एक बार बनाएंगे टाइम के साथ और एक बार बनाएंगे करंट का टाइम के साथ। अरे ये बात समझ में, देखते जाइए, अच्छे से समझना। रटंत विद्या नहीं, किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है, आप उसको रटेंगे नहीं समझेंगे। जैसे मान ले बेटा कि कोई भी ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, जनरल कर्व मान लेते हैं, ठीक। किसके किसके बीच का ग्राफ दिया हुआ है? चार्ज और टाइम। ये जो चार्ज दिया हुआ बेटा वो कूलम्ब में दिया हुआ है, और जो टाइम दिया हुआ कैसे दिया हुआ? सेकेंड में। मतलब सब ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं एक वक्त कंसिडर करते हैं, एक टाइम कंसिडर करते हैं T1, और एक टाइम यहाँ कंसिडर करते हैं T2। मान लेते हैं बेटा T1 वक्त में जो चार्ज पास करा था वो करा था Q1, और जो T2 वक्त में पास करा था उसको क्या मान सकते हैं? Q2। अब ध्यान से देखना, एक T1 वक्त और T2 वक्त है ना, तो एक T1 से लेकर T2 के बीच में अगर एवरेज करंट पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सुनना, कौन कौन से वक्त के बीच में? T1 और T2 के बीच में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? एवरेज करंट। क्या पूछ रहा हूँ? बता एवरेज करंट क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। मैं क्या लिखूंगा ध्यान से सुनना, एवरेज करंट बिटवीन टाइम T1 टू, क्या मतलब समझ जाओगे नोटेशन ना? एवरेज करंट T1 से लेकर T2 तक। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, या इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बोल? क्यू एट टाइम T2 माइनस क्यू एट टाइम क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम बोल बेटा T2 माइनस। क्या सबको समझ में आ रही है? चलो, चार्ज एट टाइम T2 को क्या मान लिए थे तुम? टाइम T2 पे तुमने चार्ज Q2 मान लिए थे ना, तो ऐसे Q2 लिख दे तो कोई तकलीफ? चार्ज एट टाइम T1 क्या मान लिए थे? कोई तकलीफ बेटा? क्या बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है? ठीक, ये तो अपन को मैथमेटिकली पता है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ सिखा रहे, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दिया सीधा। बताना ये जो लेंथ होगा ये कितना लेंथ है? यहाँ से यहाँ T2 लेंथ, T1 लेंथ, यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर दिखा, तो मतलब ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ T1 दिखा, मतलब यहाँ से यहाँ कितना वक्त है? T1 वक्त, और यहाँ से यहाँ का लेंथ T2 वक्त, तो ये वाला कितना हो जाएगा? T2 माइनस। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया बेटा? T2 माइनस। आदित्य चलिए, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? Q1, और ये वाला Q2, तो ये कितना हो गया बेटा? ये वाला रे Q2 माइनस। क्या सबको दिखाई दे रहा है? अगर यहाँ पे एक लाइन हम ज्वाइन कर दें तो ध्यान से देख इस ट्रायंगल को, यू यू यू, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है? यू 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 राइट एंगल ट्रायंगल बनता सबको दिख रहा है? Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये Q2 माइनस Q1 दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? टेन थीटा। क्या है ये? टेन थीटा है। कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी का टेन थीटा ले ले तो उसी को क्या कहते थे? स्लोप। क्या कहते थे? कहते थे, ध्यान से सुने, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, अगर मैं टेन थीटा ले लेता हूं तो ये क्या होता है? स्लोप।
होता है ना। तो देखना ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका थीटा का टेन थीटा ही तो आंसर आया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ और नहीं है, स्लोप है। क्या है बेटा? किसका स्लोप है? उस लाइन का स्लोप है जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, जो इन दोनों पॉइंट को। ध्यान से सुना, एक और चीज सिखाते हैं। अगर कोई भी ऐसे कर्व हो बेटा, कोई भी ऐसे कर्व हो, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ता हुआ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, उसको नाम दिया गया है सेकेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई भी कर्व का दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे आप, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंट। क्या बोला जाता है? सेकेंट। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एवरेज करेंट आया वो कुछ और नहीं है बल्कि स्लोप है। किसका? सेकेंट का। कौन से सेकेंट का? जो टी वन टी टू वाले पॉइंट को जोड़ रहा है। कोई तकलीफ आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनना, बहुत बुद्धि से अपन, अपने को ये सब तो पता था मैथमेटिकली, बहुत बुद्धि लगा के एक चीज चेक कर लिए। क्या चेक कर लिए? कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है क्यू और टाइम का और आपसे एवरेज करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एवरेज करंट। तो जिस जिस पॉइंट के बीच में पूछ रहा है ना, उसको क्या करो? जोड़ दो एक लाइन से, सेकंड बना दो। क्या बना दो? उसका स्लोप बता दो, आपको पता चल जाएगा एवरेज करंट क्या है। आपको पता चल जाएगा एवरेज करंट। कोई तकलीफ? मैं फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ, सुन। मान ले पूछता एवरेज करंट बताओ दो से पाँच सेकंड के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ में दो सेकंड वाला पॉइंट और पाँच सेकंड वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, उसका क्या निकाल दो? स्लोप। क्या निकाल दो? वो क्या दे देगा बेटा? एवरेज करंट। क्या दे देगा? एवरेज करंट। कोई तकलीफ आ रही है बात समझ में? सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ क्यू टी कर्व, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ क्यू टी कर्व गिव्स द एवरेज करेंट, गिव्स द। कोई तकलीफ? बहुत अच्छे समझ में आया। एक एक शब्द को समझेंगे बढ़िया से, सेकेंड क्या है, स्लोप क्या है। जल्दी उतारो। अरे इसमें पूरा मोबाइल चल जाता है क्या? अगर ये लिख लिया तो एक चीज़ लिखो, मैसेज कराए क्या किसी को? पेरेंट टीचर मीट, पापा को ले जा रहे हो? मम्मी एक बार मेरा स्टूडेंट कॉल करके रो रहा है कि सर ना आपने बात कर लीजिए ना पापा बन के, सर प्लीज़ बहुत ख़राब मार्क्स आया है। अच्छा
पैसा लगेगा पैसा। ये मजाक हो रहा है केवल। पता चला कि मीम बना दिया कि ऐसा मास्टर जीवन बर्बाद कर रहे बच्चों का। लिखो एक लैंग्वेज। Hence we can say that the slope of second of QT graph, the slope of second of QT graph gives average current। आगे बात समझ में आ जा। देख बेटा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। मान ले कोई भी दो वक्त, मान ले 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में बोला एवरेज करंट बताओ, तो आप क्या करेंगे? 3 सेकंड वाला पॉइंट और 5 सेकंड वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और इसका क्या निकाल देंगे? स्लोप। आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज करंट। क्या मिल जाएगा? चल यहाँ पे देख, एक और ग्राफ बनाए और हम बोल रहे T0 वक्त पे बताओ करंट कितना बह रहा है। तो मैं एक इंटरवल में बात कर रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड पे बात कर रहा हूँ? पर्टिकुलर स्टैंड पे T0 पे पूछ रहा हूँ। तो एवरेज करंट पूछना चाह रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस? सिंपल, एक इंस्टेंट पे जो करंट होता है इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो बेटा यहाँ तो एक ही, वहाँ दो पॉइंट था तो जोड़ के तुम सेकेंड का स्लोप बता दिया, यहाँ तो एक ही पॉइंट है। क्या करोगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे। क्या बना दोगे? और उसका स्लोप बता दोगे। उसका क्या बता दोगे? ध्यान से सुना, टेंजेंट क्या होता है? यहाँ देख ले पहले, कोई भी ग्राफ अगर ऐसे है ना बेटा, तो मान ले तुमसे बोले इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट वह स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, जो किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाना है तो ऐसा बन गया। आगे बात समझ में? तो बता, अगर T0 वक्त पे करंट बताना था तो मैं इस वाले पॉइंट पे क्या बना दूंगा? टेंजेंट। ऐसे बना दिया। इस टेंजेंट को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दो, ये जो थीटा होगा, टेन थीटा लिख दे, तो ये स्लोप आ गया। क्या किसका स्लोप आ गया रे? टेंजेंट का। किसका आ गया बेटा? टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तुझे क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या दे देगा बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। कोई तकलीफ? ध्यान से सुन। यस, चार्ज है, लेकिन क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट? DQ/DT, बहुत छोटा सा चार्ज इन छोटा सा टाइम। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना। आ रही बात समझ में? एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ी देर में बता दे रहे हैं, पहले इतना लिख लो। ये कैसे आ जा रहा है मैं थोड़ा सा इसको भी एहसास करा दूंगा। लिखो ना पहले इसको। दिखा सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, पर हम दिखा नहीं रहे। Thus we can say that the slope of tangent to the QT curve gives instantaneous current। ठीक है बेटा, चल एक चीज़ सिखा रहे तेरे को, पहले इतना याद रख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। देख मेरी तरफ,
कोई भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज करंट पूछेगा तो दोनों का लाइन ज्वाइन, मतलब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे कि स्ट्रेट लाइन से उसका स्लोप निकाल दोगे तो क्या दे देगा, एवरेज करंट। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे कि बताओ यहाँ पे करंट क्या है, तो उस पॉइंट पे तो क्या ड्रॉ कर देगा, टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या निकाल देगा, तो वो क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस करंट। याद रहेगा इतना। अब ये कैसे होता है सर, थोड़ा सा एहसास कराते हैं, एहसास होए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होए तो इग्नोर करना, वैसे हो जाएगा, ध्यान से देख। जैसे मान ले एक T1 वक्त है बेटा, कौन सा टाइम है, और एक T2 वक्त है, ये दो टाइम है। T1 के कॉरस्पॉन्डिंग Q1 चार्ज है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग Q2 चार्ज है। आपने बोला सर कि अगर इन दोनों के बीच में, अगर आप T1 और T2 के बीच में अगर एवरेज करंट निकालना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और इसका क्या बना दो, स्लोप, उसी का वो क्या दे देगा, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या मतलब होता है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल पे एकदम, अरे बात समझ में, मतलब अगर मान ले T1 वक्त पे तेरे से कोई पूछता बताओ इंस्टेंटेनियस करंट, तो हम एकदम छोटे से टाइम, मतलब T1 से लेके T1 प्लस dt वक्त में एवरेज निकाल देते हैं। सुन ध्यान से, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, ये एवरेज करंट ही है बट बहुत छोटे से इंटरवल में, जैसे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एवरेज करंट लिखते थे, इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी लिख देते थे, मतलब डी टी वक्त में क्या बताओ कितना चार्ज फ्लो करा, यही ना, डी टी मतलब छोटा सा टाइम। मान लेते हैं सिर्फ टी वन पे पूछ रहा है बेटा, तो टी वन प्लस छोटा सा टाइम, तो एकदम जस्ट यहीं पे दूसरा पॉइंट है मान ले, और यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया डी टी, इस वक्त में आपको बताना है कि चार्ज कितना फ्लो किया। तो बेटा अगर यहां से मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो कैसा दिखाई देता, ग्राफ देख दो, ये दोनों पॉइंट के बीच में ऐसा बनाते क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसा सेकंड बनाते क्या, ये डी टी तो बहुत छोटा होता है, इसका मतलब जस्ट इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, या उससे भी करीब, इस पॉइंट और इस पॉइंट तो एकदम करीब इसी पॉइंट पे आ गया क्या। तो जो सेकंड, देख ध्यान से, जो सेकंड तेरा ऐसे बना था, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड ऐसे बना था ना, टाइम इंटरवल कम करेंगे तो सेकंड ऐसा हो जाएगा, देख टाइम इंटरवल कम हो गया, टाइम इंटरवल कम हो गया दोनों के बीच में, टाइम इंटरवल और कम कर दे तो सेकंड कैसा बन रहा है, न्यू, टाइम इंटरवल और कम कर दे यूं, क्या ये सेकंड देख रहा है यहां आते आते कैसे कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एहसास हुआ थोड़ा बहुत, टाइम इंटरवल कम करते चले जा रहे हैं तो एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो सेकंड 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 एकदम छोटे से टाइम में तो क्या बन गया, टेंजेंट। आ रही बात समझ में, मोटा मोटी बात याद रखने वाली, ये सब बात अपन करते हैं काइनेमेटिक्स में 11th में, ठीक है ना, खैर तुम लोग घूम फिर के आए हो बहुत जगह से। सुनो, याद क्या रखने वाली बात है कि अगर QT कर्व दिया हुआ है, दो टाइम के बीच में एवरेज करंट पूछे, दोनों का स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, स्लोप बता दो, एवरेज करंट पता चल जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट पूछे, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसका स्लोप बता दो, कोई तकलीफ, इस पर एक सवाल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पूरा डेटा के साथ सवाल करा रहे, सेकंड पहले दिखा दिए तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा दो और चार लिखते हैं, मान ले इधर आठ है, यहाँ पे कहीं पे वन होगा, यहाँ पे कहीं पे थ्री होगा। ध्यान से सुना, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे वन होगा तो कुछ करंट भी होगा, मान ले चार है यहाँ पे, हाँ तेरे से सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से सुन, फाइंड
दिखाई दे रहा है एवरेज करंट पूछा जा रहा है किसके किसके बीच में, उतारना नहीं है वो कचरा वाला, कहाँ से कहाँ उतार बताना है, एक सेकंड से तीन सेकंड के बीच में क्या पूछ रहा है एवरेज करंट। अब इंटरवल डिफाइन हो गया मतलब एवरेज ही होगा, है कि नहीं, तो कैसे करेंगे बेटा, एक सेकंड वाले पॉइंट और तीन सेकंड वाले पॉइंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक सेकंड वाला पॉइंट ये है बाबू, तीन सेकंड वाला पॉइंट ये है, क्या इसको मिला दे, इसका जो भी स्लोप होगा वही क्या हम लोग को एवरेज करंट दे देगा, है कि नहीं। तो टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा लिखना है जो कि करंट निकालना है एवरेज, यही स्लोप है ना बेटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब बता दे टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला कितना हो जाएगा, देख यहाँ से यहाँ टोटल आठ है क्या, और ये कितना है चार है, तो ये लेंथ कितना रहा होगा फोर, और ये वाला लेंथ कितना रहा होगा, यहाँ तीन है यहाँ एक है, तो ये वाला दिखाई दे रहा है तो कितना हो गया चार बटा दो, तो आंसर कितना आ गया वन बाई टू, हाँ 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 कितना आंसर आ गया दो एम्पियर, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एक और सवाल यहाँ पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस करंट बताओ एट टी बराबर वन सेकेंड पे, टी बराबर वन सेकेंड पे, तो जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस करंट वहाँ क्या बना देना चाहिए टेंजेंट, तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना ना बेटा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट को क्रॉस करता हुआ निकल जाए, तो ये देखो ना स्ट्रेट लाइन है तो इसी पे बन जाएगा क्या टेंजेंट, है कि नहीं, इसी पे बन जाएगा, मतलब इसी लाइन का आपको स्लोप पूछ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप बताना कौन सा मुश्किल है, मान लीजिए अल्फा, तो बता अगर तेरे को ये निकालना है तो क्या लिखेगा टेन अल्फा, क्या लिखेगा बेटा टेन अल्फा निकल जाएगा, देख इसका लेंथ कितना है आठ और इसका लेंथ तो कितना हो जाएगा आठ बटा, तो आंसर कितना हो गया खत्म। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो जो एक एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना, उस अल्फा को किसी तरह तुमको निकाल देना है, सॉरी टेन अल्फा निकाल देना है, तुम इसका भी ले सकते थे, देख सबका आंसर, मान ले कि तू इसी का केवल इतना ही लेंथ कंसीडर कर रहा है, ध्यान से देख, मान ले बेटा तू केवल इतना ही लेंथ कंसीडर कर रहा है, इतना कंसीडर कर चाहे इतना कंसीडर चाहे और आगे बढ़ा दे, अल्फा चेंज होगा क्या, नहीं, चेक कर ले केवल इतना में करता तो इतना बाई इतना लिखता क्या, इतना कितना है देख चार डिवाइडेड बाई वन, चार एम्पियर, बात समझ में आई, कोई भी लेंथ लो अल्फा से मतलब है मेरे को, टेन अल्फा से मतलब है, कोई दिक्कत बेटा आ जाएगा, क्या याद रहेगा, अगर इंटरवल किसी एक इंटरवल में एवरेज करंट पूछे तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ के उसका स्लोप बता दोगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पूछे तो वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे टेंजेंट, उसका स्लोप बता दोगे, याद रहेगा, अगर ये बात समझ में आ रहा तो फटाक से मेरे को बता एट टी बराबर तीन सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, टी बराबर तीन सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस करंट, टी बराबर तीन पर इंस्टेंटेनियस करंट, सब कुछ सोच, टी बराबर तीन सेकेंड पर वहाँ क्या टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कैसा बन रहा है बता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा, तो एंगल कितना बन गया एक्स एक्सिस के साथ जीरो, तो टेन जीरो जीरो, तो करंट बिल्कुल, क्यों सर क्यों जीरो आ रहा है, थोड़ा लॉजिकली बताओ, अरे देखने यहाँ से यहाँ चार्ज में कोई फ्लो हो ही नहीं रहा है, चार्ज कांस्टेंट हो गया है, मतलब चार्ज बढ़ ही नहीं रहा है, फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा था, करंट क्या घंटा आएगा, अरे बात समझ में आया, समझ में नहीं समझ में आया, तीन सेकेंड पे क्या पूछे बेटा हम ये इंस्टेंटेनियस करंट, तो बता यहाँ पे क्या बना था, तो टेंजेंट बना था, तो टेंजेंट बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन ही ना बन जाएगा यहाँ पे, ठीक स्ट्रेट है, तो इसका तुमको क्या बताना है, स्लोप बताना है, स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसका टेन, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे जीरो, तो स्लोप टेन जीरो का वैल्यू जीरो, तो करेंट जीरो, आंसर आ गया मैथमेटिकली, और लॉजिकली क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज में कोई चेंज आ रहा है क्या, आठ करेंट कूलम है तो आठ कूलम है, मतलब वो करंट फ्लो होना बंद हो गया है, तो करंट जीरो, आगे बात समझ में, समझ में आ रहा है, कुछ बुझा रहा है कि ऐसी घंटा चला जा रहा है सब, ये वाला फिर से बताएं, टी बराबर तीन सेकंड पे बताना था करंट इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट ऐसे ही बन जाएगा क्या, अगर ऐसे रहता इस पॉइंट पे ऐसे बन जाता, पर ये स्ट्रेट लाइन है, इसको टच करता हुआ लाइन जो होगा वो ऐसे ही बन जाएगा ना बेटा, ऐसे तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो इसको इंटरसेक्ट कर दे रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कराना होता है, क्या कराना होता है टच करा के, तो टच कराता हुआ ऐसे ही जाएगा ना, तो इसका स्लोप जीरो डिग्री बना रहा है, तो टेन जीरो, चार पे भी वही है देख जीरो होगा, दो पे भी कितना है जीरो होगा, केवल इस सिचुएशन में देख चार्ज बढ़ रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और हर एक पॉइंट पे देख इंस्टेंटेनियस सेम रहेगा, क्योंकि मान ले कि बेटा हम इस पे पूछते हैं डेढ़ सेकंड पे बताओ कितना पे
तो तुम बोलोगे कि डेढ़ पे तो सर चार्ज ही नहीं दिख रहा, कैसे निकाले? अरे उससे कोई मतलब है क्या? यहाँ पे हम पर टेंजेंट बना दिए, हमको अल्फा से मतलब है, तो यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो देख इस पे निकालते ये इंस्टेंटेनियस, चाहे यहाँ निकालते चाहे यहाँ, हर एक पॉइंट का टेंजेंट का सबका स्लोप सेम है, तो सब पे इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाता? सेम हो जाता। अरे ये बात समझ में? उतार ले, अब कैसे उतारोगे पता नहीं, कचरा तो करा लिए हो। क्या श्रेया नहीं बुझा रहे क्या? अरे क्या नहीं समझ में आया? तो तुम पूछ भी तो नहीं रही हो ना, तुम तो हम यहाँ बता रहे, तुम कॉपी में लिख रही हो, कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, दो बार नोटिस किए हैं हम, जब यहाँ बोर्ड पे बात कर रहे होते हैं सबकी आंखों में आंख मिला करके, तो यहाँ देखा करो, तब तो मेरे को पता चलेगा ना। सब बताने के बाद बोलती हो कि समझ में नहीं है, बता रहे दूसरे सवाल पे। बता पहला कैंसर कितना दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, टी बराबर 9 सेकंड पे बता, इंस्टेंटेनियस सबका हो गया। हो गया बेटा, चल वहाँ पे देख, खतरनाक ग्राफ दिख रहा है। बताना एवरेज करंट 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में, बता 2 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में अगर एवरेज करंट पूछ रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? 2 और 8 सेकंड वाले पॉइंट को क्या करना चाहिए? मिला देना चाहिए, ऐसे मिला दिए बेटा। अब क्या तेरे को निकालना है? इसका स्लोप निकाल देना है। अगर थीटा लेते रहते हैं तो टेन थीटा निकाल देना है बेसिकली। कैसे? टेन थीटा आराम से निकल जाएगा, देख ध्यान से। बता ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ से यहाँ 2, तो यहाँ से 8 माइनस 2 6 हो गया, और ये वाला बेटा 4। क्या दिखाई दे रहा है? 4 हो गया। तो बोल दे एवरेज करंट का आंसर, यहाँ पे सीधा लिख दे 4/6 मतलब 2/3। क्या सबको समझ में आया इस बार? इंस्टेंटेनियस करंट है, टाइम टी बराबर 9 सेकंड, तो 9 सेकंड वाले पॉइंट पे क्या बना देना है? टेंजेंट। तो देख रहा पा रहा होगा, अगर टेंजेंट बनाएगा तो लगभग लगभग स्ट्रेट बन रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं बन रहा है। और हॉरिजॉन्टल बन रहा है मतलब
क्या दिखाई दे रहा है यार? हम बोलो कि सर किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं पूछे, यहाँ पे भी तो पूछ सकते थे ये इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा डेटा देना पड़ता कि तुम्हें पता चलता। अरे बस समझ में ना, रैंडम ग्राफ है तो डेटा देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस, अभी मान ले कि इस पॉइंट पे हम पूछ देते तेरे से इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहाँ से तू टेंजेंट ऐसे बनाता। अब टेंजेंट बनाता तो टेन अल्फा लिखने के लिए इतना भाई इतना चाहिए होता ना, तो वो पुट करना पड़ता, वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रैंडम ग्राफ लिए हैं इसलिए, तो ऐसा सवाल पूछा गया। कोई दिक्कत उसमें? अब श्रेया तू ध्यान से सुन, कभी भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज पूछे तो उसको मिला देना है, ठीक। इन दोनों के दो और आठ सेकंड के बीच में एवरेज पूछ रहा है, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या करें बेटा, मिला दिए, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है ना थीटा, उसका टेन थीटा ले लोगे, उसी को स्लोप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो बता, एवरेज करंट निकालने का तरीका क्या था? उस लाइन को ज्वाइन कर दो, उसका स्लोप बता दो, मतलब बेसिकली टेन थीटा बता दो। तो टेन थीटा कैसे निकालोगे बेटा? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये वाला लेंथ कैसे पता चलेगा? यहाँ से यहाँ आठ है और यहाँ से यहाँ दो है, तो ये कितना हो गया? सिक्स हो गया। अब देख, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है? आठ, और यहाँ से यहाँ चार, तो ये कितना हो गया? चार, तो चार बटा छः आंसर। अब मान लेते हैं कि इस पे इंस्टेंटेनियस पूछा था, तो किसी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पूछे तो एक ही पॉइंट है ना, तो वहाँ पे आप सेकेंट ड्रॉ करेंगे कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उसका स्लोप बता दो। अब तो मेरे को दिखाई दे रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, अगर ऐसे रहता तब ना हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनता, ऐसे मतलब जीरो डिग्री बना रहा है, तो टेन जीरो बराबर जीरो, मतलब करंट कितना हो गया बेटा जी? आगे बात समझ में? ऐसे सवाल बना लोगे बाबू? बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब छोड़ना चाहिए क्या? yes. अभी टाइम है 5 मिनट, बस एक और ग्राफ है आईटी ग्राफ, वो बताते हैं उसके बाद जा, ज़्यादा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है, अच्छा है तो नहीं आया साथ। अच्छा वीडियो ओके, ऐसे मैं बस बोल रहे थे मतलब हम लोग मिस कर रहे हैं किसको, क्या नाम मेरे लोग, कैसा मिस कर रहे हो, नाम भूल गए, हरितिका। तुम मिस कर रहे कि मजा आ रहा है हम लोगों? चलो एक और चीज सिखाते हैं, ये कंठस्थ हो गया दिमाग में क्यूटी कर्व के बारे में। अब देखते बेटा आईटी कर्व कौन सा, आईटी कर्व, आईआईटी कर्व नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, खुशी की तैयारी कर रहे थे अपन। हाँ, देख अच्छा देखो, मान लेते बेटा ग्राफ ऐसा बनाया हुआ है T1 से लेकर के T2 तक, ध्यान से देखना क्या सिखाना चाह रहे, एकदम बेसिक तरीके से, कहीं से रटे होंगे स्कूल में पढ़ाया होगा कि क्या होता है आईटी कर्व में, तो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, बेसिक से बताते हैं एहसासों के आधार पे। जल्दी उतारो, उतार लिए सब? सूर्य जल्दी जल्दी उतारो करो, राइटिंग यहाँ मत बैठाने की सोचा करो। शायद दुर्गा माँ की तरह पांच पेन एक ही उंगली में कैसे तो ले लेती है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से लिख लेती है, मल्टीटास्कर है। चलो देखो अजा भाई, देखो कौन सा ग्राफ बना है करंट और टाइम के बीच में, हाँ ऐसा कोई भी जनरल ग्राफ मान लेते हैं। देखता जा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि कोई भी जनरल टाइम टी पे जा रहा हूँ, कोई भी जनरल टाइम किस पे जा रहा हूँ बेटा, टी पे, और टी से थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी, इसका मतलब बेटा ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दिखा दे रहे ताकि, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया टी, और इस पॉइंट को क्या मान लिया बेटा, टी प्लस डी टी, इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया रे, डी टी, इतना माइनस इतना, यही ना, ठीक। तो ये वाला लेंथ dt, ये dt बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, दिखना नहीं चाहिए था अपने को, लेकिन हम बड़ा करके दिखाएं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। चल ध्यान से, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत, बात समझ में आ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा दिखाएं ताकि लिख सके अच्छे से। अब सुनना बेटा, एक मिनट यार,
इसको छोटा ही बनाएंगे तभी काम होगा। ये वाला पॉइंट था टी और ये वाला पॉइंट था, तुम लोग समझ पा रहे हो ना अब? ठीक, इसको मैं ऊपर ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ और इसका शेडेड रीजन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने टी पे डी टी एक छोटा सा थिकनेस ले लिया है, यहाँ पे जो कुछ ना कुछ तो करंट का वैल्यू रहा होगा ना बेटा। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये डी टी बहुत छोटा है क्या? Yes. बहुत पतला एकदम, मतलब समझो कि एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ वाला करंट लिखो चाहे वहाँ यहाँ वाला लिखो, एक ही बात है ना। मेरा बात समझ पा रहे हो? ये वाला जो तेरे को अंतर दिख रहा है ना, ये अंतर नहीं, एक्चुअली ये एक ही साइज में है क्योंकि बहुत पतला सा लिए हैं। तो लगभग लगभग ये क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा। क्या बन जा रहा है बेटा? क्या बन जा रहा है? रेक्टेंगल जैसा। बोलोगे रेक्टेंगल ऐसा थोड़ी होता है सर, तो ये वाला कंसिडर क्यों नहीं करें? क्योंकि बहुत पतला है। अरे ये बात समझ में? तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई टाइम तो होगा, करंट होगा ना। अब बोलोगे सर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग किस पॉइंट? अरे दोनों तो एक ही है, एकदम पतला वाला है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। अरे बात समझ में? तो ध्यान से सुना बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट I ले लिया और ये dt है। अगर I और dt को मल्टीप्लाई कर दे, I और dt को क्या कर दे बेटा? I मतलब क्या था, ये वाला लेंथ रे, ठीक है, और dt मतलब ये वाला लेंथ। अलग से बना के दिखाते, देख लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वाला लेंथ कितना हो गया रे बेटा? I। और ये वाला लेंथ कितना हो गया? dt। तो I into dt मतलब इसका एरिया क्या क्या हो गया? इसका एरिया। तो मैं लिख सकता हूं dA। क्या लिख सकता हूं बेटा? dA बराबर क्या हो गया? idt। क्या हो गया? idt। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, दोनों साइड क्या कर दिया? idt क्या था? छोटा सा चार्ज, याद कर करंट का फॉर्मूला क्या था? dq / ये था, तो dq क्या था? idt। idt मतलब क्या हो गया? छोटा सा चार्ज, लिख सकते हैं। और छोटा चार्ज जोड़ते गए तो टोटल क्या आ गया? टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज। और इधर छोटा सा एरिया को जोड़ दिए तो क्या आ गया? टोटल एरिया। क्या आ गया बेटा? कोई तकलीफ? ध्यान से सुनना, कहने का क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ जोड़ रहे? टी वन से टी टू पूरा जोड़ दे रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे पतले 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 स्ट्रिप को सबको एरिया को जोड़ दिए। तो टोटल एरिया जो आया वो क्या दे देता है? चार्ज। क्या दे देता है? तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, ध्यान से सुन, कि अगर कोई आईटी कर्व दिया हुआ है, उसके नीचे मतलब उस कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में पूरा ग्राफ का एरिया तुम निकाल दोगे ना, तो क्या दे देगा? टोटल चार्ज फ्लो। क्या दे देगा? क्या मैंने डायरेक्ट रटवाया कि समझाया? बात समझ में आ रहा है? डी टी छोटे से टाइम में करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमें छोटा सा चार्ज पता चल गया, और ज्योमेट्रिकली क्या दिखाई दे रहा है? इसका एरिया है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए तो मतलब टोटल एरिया इसके अंदर का, और वो दे क्या रहा है? तो टोटल चार्ज। तो अपन याद रख लेंगे कि अगर कोई ऐसे कर्व बना हुआ है, उसके नीचे का एरिया पूरा निकाल लोगे टाइम एक्सिस के साथ, तो वो क्या दे देगा? टोटल चार्ज फ्लो। क्या दे देगा बेटा? कोई तकलीफ? लिख, ऐसे लिख ले, आई टी कर्व। लिखते हो कैसे लिखते हो रे तुम लोग? ऐसे लिखना चाहिए, हाँ ठीक है, आई टी कर्व ये बना लो, उसके बाद मैं लिखवा दे रहा हूँ लैंग्वेज में जो अहम बात है। कौन चल रहा है ना वीडियो? क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं बना तो बहुत दिक्कत होगा। अरे स्केल का इस्तेमाल कर दीजिए राम, डिजाइनिंग का क्लास चल रहा है बेटा ये।
उतार ली उधर, लिखो लैंग्वेज, लिख लो, लिखो 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 जल्दी लिखो, लिख लिया, लिखो हेंस 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 वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, एरिया अंडर कर्व ब्रैकेट में लिखना, एरिया अंडर कर्व, देखो बच्चे क्या रट लेते हैं, थोड़ा सुन लो उसके बाद लिखवा रहे हैं, बच्चे क्या रट लेते हैं ना कि अगर आईटी कर्व है ना तो सीधा नीचे वाला एरिया बता दो, नीचे वाला एरिया है ना, ऐसे नहीं रटना चाहिए, हो सकता है सवाल में कभी आई नीचे दे दे, किसके किसके बीच में एरिया, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का, कर्व और ऐसे लिखना चाहिए, वही लिखवा रहे हैं, क्या लिखा था बोल तो, एरिया अंडर कर्व ब्रैकेट में लिखो बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस, बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस, बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑफ ऑफ आई टी ग्राफ ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स गिव्स चार्ज फ्लोन चार्ज फ्लोन चार्ज फ्लोन, इधर सब उतार लिए थे क्या, मिटा दें, देख सवाल देखो ध्यान से सब कोई, क्या आई टी ग्राफ दिया हुआ है, चल सवाल पहला पढ़ो क्या है, दो जीरो से दो सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया है कंडक्टर में, यही पूछा है ना बेटा, तो हम लोग को पता है ना कि एरिया निकाल देना होता है, ठीक है, एरिया किसके किसके बीच में, कर्व और टाइम के बीच में, तो पहला अगर सवाल मैं सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, जीरो और दो के बीच में निकालना है, किसके किसके बीच में, तो बता ग्राफ लेंगे एरिया लेंगे ना बेटा, कर्व और किसके बीच में टाइम, तो ये वाला एरिया लेंगे कि इधर वाला एरिया लेंगे, क्या बात समझ पा रहे हो, ये वाला एरिया, तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना अपने को आता है कि नहीं आता है, बोल बेटा कितना हो जाएगा चार्ज, पहला वाला का आंसर हाफ बेस, आंसर कितना आ गया चार का फोर, हाँ फोर, कोई तकलीफ है इसमें, बहुत सिंपल है, देख इसके नीचे का पूरा एरिया ले लेते, तो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, हाफ इंटू बेस दो इंटू हाइट, कोई दिक्कत विकास, बी सेकंड में बोल बेटा, कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, टू से सिक्स, टू से सिक्स मतलब ये वाला एरिया क्या बेटा, ये वाला पूरा, ये क्या बनता दिख रहा है, रेक्टेंगल, बोल कितना लिख दें, ले भी चार है, नीचे भी चार, तो जो भी है मैंने रेक्टेंगल इज स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल हैविंग सेम साइड्स है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू क्या दिखाई दे रहा है, इतना इंटू इतना, तो कितना हो गया बेटा, कोई दिक्कत, थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है सवाल, जीरो से अच्छा बता, तो जीरो से सिक्स मतलब यहाँ से यहाँ पूरा एरिया जोड़ना है ना, इतना प्लस इतना दोनों जोड़ दे सीधा, टफ है क्या ये, बहुत आसान है कि नहीं बेटा, उतार ले हो जाएगा, बस सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, क्योंकि सब्र का बांध ना टूट जाए, हाँ तो ये था करंट भाई, नेक्स्ट लेक्चर डालने से पहले इसको अच्छे से कवर कर लोगे तभी नेक्स्ट समझ में आएगा, चार्ज क्या है ये सब नहीं पता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, डाला हुआ है जितना भी डाला हुआ है, हाँ इसको रिवीजन करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, पवन